यस बेटे, बोली वार्तक लेख ऑलरेडी तुसी है सिलेबस विच अच्छी तरह किता होया। अज एक बारी फिर अच्छी तरह रिवाइज करते हाँ। गुरबख्श सिंह प्रीत लड़ी का लिखा होया लेख है। जन्म होया गुरबख्श सिंह प्रीत लड़ी का 26 अप्रैल 1895 ईस्वी बेच। कल अपा प्रिंसिपल तेजा सिंह का किता से 1894 ईस्वी बेच। ठीक है, एक बारी फिर सारा रिवाइज करवा दईए ताई अगों तुसी ओ तुसी पार्टिसिपेट करोगे। गुरु नानक देव जी का जीवन काल मैं जिन्हों कहूंगी वही बच्चा आंसर करेगा। गुरु नानक देव जी का जीवन काल, हाँ जी लक्ष्य मांगो बच्चे बोलो आंसर। गुरु नानक देव जी का जीवन काल बोलना है। मैंने ऑब्जर्व कर लिया बेटे, चलो 1469 to 1539। गुरु अमरदास जी का जीवन काल, गुरु अमरदास जी का जीवन काल, चलो नहीं यस बेटे 1479 to 1574। ये किन्ना जी? गुरु अमरदास जी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर तुहाडे लई है। गुरु नानक देव जी दीआं प्रसिद्ध बाणियां दे नाम कोई एक बाणी दसो जिहदे च तुसी रचना पढ़ी है। चलो आसा दी वार, केड़ी रचना पढ़ी, रचना केड़ी पढ़ी है? देखो सो क्या मंदा आखी सिट डाउन। चलो बेटे सक्षम छापदा, गुरु अमरदास जी की प्रसिद्ध बाणी केड़ी है? पहले प्रसिद्ध बाणी दसोगे। ये तो तेन मैं बेटे एक्स्ट्रा क्लास भी रिवाइज कराया। सो क्यों मंदा आखिए तो आप गुरु नानक देव जी तो गलती कितों कर ली? ये तो बिल्कुल ही गलत कर लिया आंसर। दक्षिता अनंत साहेब। सो क्यों मंदा आखिए तो आप हूने तो किया कि गुरु नानक देव जी की रचना दो रचनावां आप पढ़िया काव्य रचनावां विच। सो क्यों मंदा आखिए ते कृपा करके बख्श लो। प्रसिद्ध बाणी वैसे पूछी सी गुरु अमरदास जी दी अनंत साहिब। गुरु नानक देव जी ने आप तीन बाणियों का जिक्र किया, जपजी साहेब, बारह माह, असा दी वार। चलो विवान तुहाडे लई क्वेश्चन, कृपा करके बख्श लियो केड़ी बाणी विचों? असा दी वार तो गुरु नानक देव जी दी श्लोक वारा तो वधीक। ये किहदी बाणी है? गुरु अमरदास जी दी। इहदे चों केड़ी रचना आपां पढ़ी? कृपा करके बख्श लियो। यस बेटे, ठूठे शब्द का की अर्थ है? कृपा करके बख्श लियो च मीनिंग आया गुरु ठूठे हर प्रभ मिल लिया सब किलविख कट विकार। ਝੂਠੇ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸੋ ਤੇ ਕਿਲਵਿਖ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ, ਦੋ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸਣਾ। ਕਿਲਵਿਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਾਪ ਅਪਰਾਧ, ਤੇ ਝੂਠੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਝੂਠੇ, ਚਲੋ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਹੀ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਝੂਠੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੀਨਿੰਗ, ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਪਾਪ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਕਰਤਾ। ਗੁਰੂ ਝੂਠੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ, सिर्फ झूठे का मीनिंग दसना है। प्रसन्न एक करवाया सी बेटे क्वेश्चन, झूठे का मीनिंग की है? प्रसन्न। हो गया क्लियर? चलो नेक्स्ट। यस बेटे चाहत, प्रिंसिपल तेजा सिंह दी स्वै जीवनी का नाम कल दी क्लास चप्पा किता डिस्कस आर सी। प्रिंसिपल तेजा सिंह का जन्म भूमि जिथे जन्म होया पिंड अडियाला किथे है? रावलपिंडी पाकिस्तान। ठीक है सिट डाउन। चलो बच्चे लिखो, गुरबख्श सिंह प्रीत लड़ी का जन्म, बोली वार्तक लेख गुरबख्श सिंह प्रीत लड़ी। ये हुण अपना अज का एक वार्तक लेख करन नाल
एक साहित्य माला बुक की तैयारी हो जानी है। सिर्फ दो टॉपिक रह जाने जो अगले वीक करने हैं, जफरनामा एकांगी जो बहुत अच्छी तरह करने वाला, तो एक कहानी है कुल्फी कहानी, बस दो ही टॉपिक। कुल मिला के किन्ने टॉपिक ने? 6 टॉपिक ने लिटरेचर के। ठीक है, इन्ना सबनों क्लियर हो गया। सिर्फ कुल्फी कहानी रह जाएगी सुजान सिंह की, जफरनामा एकांगी डॉक्टर हरचरण सिंह का। जन्म होया 26 अप्रैल 18 सियालकोट जिला, सियालकोट पाकिस्तान, जिला सियालकोट पाकिस्तान। मुढ़ली पढ़ाई तो बाद किथे आ गए रुड़की, तो केड़ी डिग्री हासिल की? इंजीनियरिंग दी। नोट करो, इंजीनियरिंग दी डिग्री कितों हासिल की? रुड़की तो। फिर कुछ समा किथे नौकरी की? फौज विच। ये प्रमुख नुक्ते लिख लो बेटे, फौज विच नौकरी की, रुड़की तो इंजीनियरिंग दी डिग्री हासिल की। देन 1933 विच उन्होंने केड़ा मासिक पत्र कढ़िया जिन्हां दे नाम से फिर उन्हां दा नाम नाल सरनेम जुड़ गया प्रीतलड़ी? मासिक पत्र, मासिक पत्र कढ़िया प्रीतलड़ी 1933 विच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केड़ा पत्र कढ़िया? मासिक पत्र। की नाम सी? प्रीत लड़ी। इसे दौरान उन्होंने प्रीत नगर भी बसाया सी, प्रीत नगर। हुण आपां गल करिए उन्हां दीआं प्रसिद्ध रचनावां दी। चंगेरी दुनिया, नोट करो, मेरिया भुल यादां, ये उन्हां दीआं प्रसिद्ध पुस्तकां दे नाम ने। जड़े दो दर्जन तो भी वध उन्होंने लिखिया ने रचनावां, मेरिया भुल यादा, नवा शिवाला, नवा शिवाला, दुनिया एक महल। इन्हां विचों कोई क्वेश्चन आ जाता कि दुनिया एक महल किसकी रचना है? प्रिंसीपल तेजा सिंह दी, सुजान सिंह दी, गुरबख्श सिंह प्रीत लड़ी दी। प्रीत मारक, खुशहाल जीवन। देखो टाइटल तो ही पता लग जाता है कि ये सानू जीवन जात दसन वाले सारे टॉपिक ने जी। ठीक है, खुशहाल जीवन इंसान का किवें बन सकता? प्रीत नगर, जिंदगी दी कविता, जिंदगी दी कविता, चंगेरी दुनिया, चंगेरी दुनिया आदि। हुण आपां गल करिए बोली वार्तक लेख जो तुहाडी पुस्तक साहित्य माला विच है। पुस्तक साहित्य माला विच दर्ज है दो वार्तक लेख ने, केड़े केड़े बेटे? घर दा प्यार ते बोली। ते बोली सानू सबनू पता है, सानू परमात्मा वालों ये जुबान मिली है बोलन दे लई, जिथों असी बोलदे हां। ते बोली की है? जे जनरल क्वेश्चन आ जाए, विचारां नू प्रगटाउण दा साधन है। ये तुसी जूनियर क्लासिस तो करदे हो, ते साडी बोली केड़ी है? पंजाबी, क्योंकि असी पंजाब विच रहिंदे हां। साडी मां बोली केड़ी है? पंजाबी। ते सुभाविक है कि जिस धरती ते रहिंदे होइए, जिस भाषा दे विच असी गलबात करिए, वह बोली साडी जबान ते चढ़ जांदी है। ते जिहड़ी मात भाषा है असी कित्थों सिखदे हां? बचपन विच अपनी मां कोलों, अपने भैन भरावां कोलों, अपने घर दे माहौल चों। ठीक है, क्योंकि आपां लैसन जदों पढ़िया सी उहदे च पढ़िया कि जिहड़ी बचपन है वह थां है जिथों असी लफ्ज़ां दा खजाना जोड़ना शुरू कर देंदे आ। मोरां दी खान दी थां केड़ी थां है? बचपन। मोरां दी खान किसनूं कहा गया? बचपन नूं। इह वन मार्क क्वेश्चन नोट कर लो, मोरां दी खान, मोरां दी खान बचपन है, जिथों और जो असी बचपन विच वर्ड असी सिख लैने, लफज सिख लैने, कदे भुलदे नहीं, वह साडे मन ते की है? उकरे जांदे हन। ठीक है, और लफजां दे नाल ही असी जिंदगी दी मंडी विच चलदे हां। जिंदगी दी मंडी दा भाव है जिंदगी विच विचरदे हां, उहनां नाल ही असी प्रभाव पांदे हां दूजे ते। ठीक है,
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮੀਨਸ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਔਰ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਲੈਸਨ ਬੋਲੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਮੂੰਹ ਕੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਕੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਆਤਮਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਮੂੰਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਕੀ ਹੈ ਬੋਲੀ ਇਹ ਦੋ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਆਤਮਾ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਕੀ ਹੈ ਬੋਲੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਉਸਦੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਕਿ ਆਤਮਾ ਇਹਦੀ ਕਿਉਂ ਜੀ ਹੈ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਹੈ ਝੁੱਟੀ ਹੈ ਮਕਾਰ ਹੈ ਧੋਖੇ ਫਰੇਬ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੋਗੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਸਦੀ ਬੋਲੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਜੋ ਸੋਹਣੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੈਸਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲੈਸਨ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਮੈਥ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਹੀ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਆਰਮੀ ਆਫਿਸਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਪਰ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚ ਵਿਚਰਨਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਥਾਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਇਹੀ ਲੈਸਨ ਪਿਛਲੇ ਲੈਸਨ ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਆਚਰਣ ਆਚਰਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਰੈਕਟ ਚਰਿੱਤਰ ਠੀਕ ਹੈ ਚਰਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਆ ਜਿਵੇਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਚਰਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਲਾਂਤਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਦਾਚਾਰਕ ਗੁਨਾ ਨਾ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਚ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਖਲਾਕ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਇਖਲਾਕ ਦਾ ਕੱਲ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਦਾਚਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਮ ਸਦਾਚਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨੈਤਿਕ ਗੁਣ ਨੈਤਿਕ ਗੁਣ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਸ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਅੱਛੀ ਬਣਦੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂਚ ਮੀਨ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਯੈਸ ਬੋਲੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਹੋਣਾ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਣ ਬੋਲਿਆ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਮਕਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਅਣ ਬੋਲਿਆ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਮਕਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਝੂਠਾ ਹੈ ਸੱਚਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਿਮਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਮਕਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਮਕਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਮਕਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਣ ਬੋਲਿਆ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਣ ਬੋਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਰਮ ਚ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਯੈਸ ਨੋ 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 ਠੀਕ ਹੈ ਅਣ ਬੋਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਨੈਕਸਟ ਅੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੇਖਕ ਦੱਸਦਾ ਪਰ ਗੁੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਗਾ ਸਕਦਾ ਗੁੰਗਾ ਮੀਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਏਗਾ ਅੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਨੇ ਅੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਛਲ ਕਪਟ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਹੇ ਹੈ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਮੇਚਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਮੇਚਾ ਅਮੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੈਸਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਦੌਲਤ ਹੈ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੈ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਅੱਛੀ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫ੍ਰੀਜ ਰੁੱਖੀ ਰੁੱਖੀ
रुखी मिस्सी खाए के ठंडा पानी पियो, देख पराई चोपड़ी ना तरसाओ जियो। कहना इंसान की जबान अच्छी होनी चाहिए, फिर की रुखी मिस्सी खा के भी गुजारा हो जाना, बाकी तो सारिया लग्जरीज है, बाकी तो सारा ऐश इशरत का समान है। जिंदगी दी तीन लोड़ा पूरिया होनी चाहिए ने, रोटी कपड़ा और मकान। ठीक है, मनुखी अमीरी का मेचा बोली तो लगा सकते हाँ। नेक्स्ट, बोली तदे ही असली अमीरी का ठीक मेचा मनी जाती है जेकर यह जिंदगी दी अमीरी विचों की चुनती है, अपने लफज चुनती है। अगला क्वेश्चन नोट करो, बोली कदों अमीरी का ठीक मेचा ला सकती है, जदों जिंदगी दे विचों लफ्जां दा खजाना चुनती है, लफ्जां दा खजाना। लफज किसा हिस्सा हन, तजर्बे दा हिस्सा हन, तजर्बा किसा हिस्सा है, अकल दा, ये भी नोट करो, तजर्बा किसा हिस्सा है, बोली दा, अकल दा, अकल दा, अमीरी दा, इस तरह आ सकता है बेटे, कोई भी नाल ऑप्शन दित्तियां हो सकदियां, तजर्बा किसा हिस्सा है, अकल दा, ते लफज किसा हिस्सा हन, तजर्बे दा। जिदे को लफजा नो एक तजर्बेकार इंसान है, आप कहने ना कि औखे समय किसी मुश्किल समय उस व्यक्ति को जाओ जिहड़ा रुझिया होया, जिहड़ा तजर्बेकार है। वेले बंदे को की जाना, उहदा काम तां वेला रहना है, वह किसी नूं की सलाह देगा, किसी की जिंदगी नूं की सवारेगा। नैक्सट, बोली का खजाना बचपन के चुगिरदे विचों जुड़ना शुरू हो जाता है। ये वन मार्क क्वेश्चन नोट करो, बोली का खजाना कदों जुड़ना शुरू हो जाता है, बचपन में। जिंदगी का असली सोना की है, अकल, अकल का हिस्सा की बनिया तजर्बा, तजर्बे का हिस्सा की बनिया लफज। ठीक है, फिर लफजों तो बाद बोली आती है। ठीक है, असली सोना की है जिंदगी का, अकल, आ अकल है जिहड़ी साडी बुद्धि, सियाणप, समझदारी, ए समान अर्थक शब्द ने। धनी राम चात्रिक की कविता तुसी कदी पढ़ी होनी है, पहली मां मेरी लक्ष्मी मां, जिसने जन के मैनू, जिसने जन के मैनू अकल सिखाई। आ जड़ी जन्मदाती मां ते नहीं तो क्वेश्चन आ जाता है, जेकर कोई बच्चा अकल वाली गल नहीं ना करता, जन्मदाती मां ते एलीगेशन लगता, क्योंकि पहली मां लक्ष्मी देवी जिसने जन के अकल सिखाई, दूजी मां भारत माता जिसकी मिट्टी मैनू जनिया। ठीक है, दूजी मां किनू कहा गया, भारत माता नू, जिसकी मिट्टी मैनू जनिया। तीजी मां मेरी पंजाबी बोली, जे एहो जी मनोहर मिट्टी और कोई बोली नहीं दिती। तीन मावां की गल की है बहुत सारे कवियां ने, पहली जन्म देने वाली मां, दूजी भारत माता जिसकी धरती च असी पैदा होए हां, तीजी मां साडी पंजाबी बोली। कहिंदे तिन्हां दी कदर करनी बहुत जरूरी है। नैक्सट क्वेश्चन, बचपन विच मन ते उकरे होए, मन ते चित्रे होए की हन जो कदी नहीं भुलदे, लफज ये कदा काम करदे हन। वेरी गुड, वेरी गुड, आ क्वेश्चन जी आंदा मी तुसी लैसन पढ़िया, ये कादा काम करते ने बेटे, मोरां दा, गुड आंसर। नेक्स्ट, बच्चों की जिंदगी बनाने विच, बच्चों की दुनिया विच अमीरी च वाधा करने विच किसका साथ है, सब तो वड्डा योगदान किसका, माता पिता का। जिंदगी का पहला धर्म है, माता पिता ने बच्चों नू बोली सिखानी है, संस्कारी बनाना है। बच्चों की दुनिया वाल जेड़े माँ बाप ध्यान नहीं देंदे, अगे जाके की हुंदे हन, कंगाल। लेखक ने उन्होंने कंगाल शब्द वरत्या, जेड़े बचपन विच बच्चों की देख रेख वाल ध्यान नहीं देंदे, कि बच्चे जे किधर नू चलदे चलन दिओ। ये नहीं है कि फिर कहंदे है ना, हत्थां नाल दित्तियां दंदां नाल खोलनियां पैंदियां, हत्थां नाल दित्तियां। जे बच्चों नू आपां लाड़ प्यार ज्यादा करके विगाड़ लैंदे हाँ, वड्डे होके सानू भुगतना पैंदा, पेरेंट्स नू भुगतना पैंदा, इहदा भाव इह है, दंदां नाल खोलनियां पैंदियां। फिर जिहड़े बच्चों नू
लाड़ प्यार ज्यादा कर देंगे, उन्होंने डिमांड्स पूरी कर देंगे ने, बाद च भुगतना आपनों ही पैंदा। फिर कहिंदे साडा ही कसूर है, असी ज्यादा लाड़ प्यार ने बिगाड़ लिया। और माँ बाप ही हान, वड्डे ही हान घर दे, जिहड़े बच्चियां दी दुनिया बनाउण विच सब तो वड्डा योगदान पाउंदे हन। जिहड़े नहीं ध्यान दिंदे उन्हां दी जिंदगी अगे चल के, उन्हां दा भविख अगे चल के कंगाल हो जांदा है। बच्चों नूं अजिहा कुछ सिखाया नहीं कि बच्चे अगे जाके उन्हां दे बुढ़ापे का सहारा बनन, उन्हां दी देख रेख करन। नैक्स बटे साड़ी बोली वो है जिहड़ी असी बचपन विच मां कोलों सिखी है, वो साड़ी मां बोली है। बचपन विचों सिखी बोली केड़ी है? राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राजभाषा जां मां बोली? मां बोली। नोट कर लो बेटे, केड़े लोग बहुत वड्डे बेभाग हन, भागहीन हन, जेड़े मां बोली तो वखरे रहे ने। नोट करो ये क्वेश्चन, केड़े लोग बेभागे हन? बेभागे केड़े लोग ने? जेड़े वड्डे होके भी अपनी मां बोली नूं छड्ड बैठे हन, जिन्हां ने वड्डियां होके बचपन दी बोली नालों वक्री बोली अपना ली है। इहनूं उल्टा भी क्वेश्चन करो, जिन्हां लोकां ने वड्डे होके वक्री बोली अपनाई उन्हां नूं कियो जे लोक कहा? भागा वाले के बेभागे। लास्ट पैरा समझो, तजर्बा साड़ी दौलत है, ये दौलत बचपन दे समय विच बोली दे चिन्ना विचो सांभी गई है। तजर्बा की है? साड़ी दौलत है। जेड़े लफज ने वह की हन? इस दौलत दे सिक्के अते नोट हन। सिक्के ते नोटा राही लफजा दे सिक्के ते नोटा नूं असीं कित्थे चलाउंदे हां? केड़ी जिंदगी विच? रोजाना जिंदगी विच। ये भी नोट करो, रोजाना जिंदगी विच, अमीर जिंदगी विच, झूठी जिंदगी विच, रोजाना जिंदगी विच, रोजाना जिंदगी विच, रोजाना जिंदगी विच चलन लई असीं की चलाउंदे हां बटे? लफ्ज़ां दे सिक्के ते नोट। जिंदगी दी दौलत बिना की निकारे हन? साडे लफ्ज़ निकारे हन, साडे शब्द निकारे हन। निकारे मीन्स यूज ना आने वाले। हुण लिखो बेटे वन मार्क क्वेश्चंस, होर वन मार्क क्वेश्चंस लिखो। बोली हुण तुसी दसोगे, पूरा चैप्टर तुहानूं समझाता, बोली जिंदगी दी अमीरी विचों की चुनदी है? लफ्ज़। वेरी गुड। डैश जिंदगी दा असली सोना है? अकल। केड़ा जीवन सब तो कीमती जीवन है? जवानी ते बुढ़ापे नालों भी कीमती जीवन केड़ा है? बचपन। जिथे साडा बचपन बीते जां जिथे असी लफ्ज़ां दा खजाना जोड़िए ओ की है? मोरां दी खान है। जा उल्टा क्वेश्चन करो, मोरां दी खान केड़ी थां है? जिथे साडा बचपन बीतिया होवे। ते आपां हुणे हुणे डिस्कस कीता सी, जिथे साडा बचपन बीतिया होवे उह की है? साडे मोरां दी खान है। नैक्सट, लेखक गुरबख्श सिंह किसी भुख पैदा करन लई कहिंदा है? लफ्ज़ां दी। किसी भुख पैदा करनी है? लफ्ज़ां दी। नैक्सट क्वेश्चन, किस उम्र विच मन ते चित्रे हुए शब्द कदे नहीं भुलदे? बचपन विच। केड़े लोग अपना पूरा मुल नहीं पवा सकते? दूजियां नूं प्यार करन वाले, जिहड़े दूजियां नूं प्यार नहीं करते,
जिन्हां ने लफ्जां वल ध्यान नहीं दिता, जिन्हां ने लफ्जां वल ध्यान नहीं, वो क्यों जे लोग ने जड़े अपना सही मुल नहीं पा सकते। लेखक किस बारे कोई मश्करी जा मखौल सहार नहीं सकता, बोली बारे, रिश्तेदारा बारे, अपने घर बारे, अपने अध्यापक बारे, जा बोली बारे, बोली बारे कोई भी अजिहा बोल मश्करी वाला, मश्करी का मीनिंग समझ दो मजाक, वो भी क्यों जा मजाक, भद्दा मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेखक कौन, गुरबख्श सिंह, किदे बारे मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकता, बोली बारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक किस नू बहुत महंगी अते प्यार विरासत आखदा है, सभ्याचार नू, बोली नू, संस्कृति नू, जा जिंदगी नू, बोली नू, बोली नू सब तो की आखदा है, महंगी ते कीमती विरासत आखदा है। लफज किसी दौलत दिया मोरा हन, समाज दी, दिल दी, भाषा दी, जिंदगी दी, जिंदगी दी दौलत दिया मोरा हन। डन बेटे, चैप्टर कंप्लीट। हुन लिखो, नेक्स्ट लिखो मुहावरे, सिर्फ अज कक्का भागी कर लो, ओई एक्स्ट्रा वाले मुहावरे लिखो। टेन मुहावरिया दे मीनिंग लिखने हैं, टेन मुहावरिया दे मीनिंग लिखो, मीनिंग दा मुहावरा समझो, क्योंकि ये भी ऑप्शन चाहिए हैं। यस, मैं मीनिंग बोलांगी, तुसी मुहावरा कोशिश करो। मुश्किलां पैदा करनिया, मुश्किलां पैदा, मैं सिर्फ अजे दसनी है कि कक्का भाग मुहावरा ही है, मुश्किलां पैदा करनिया, ऐदां नहीं ना गल बनदी, कख ना रहना, कंडे बीजना, कंडे चुभने, कंडे बीजने, एदा मतलब ऑप्शन नाल आंदा, तुहानूं ओदां नहीं आ सकदा। चलो, कंडे बीजना मुहावरे दा मीनिंग लिखो। चलो, कंडे बीजना मुहावरे दा अर्थ दसो, जेदे विच आ जावे ऑप्शन, मुश्किलां पैदा करनियां, झूठ बोलना, दुख देना, मुश्किलां पैदा करनियां, की आना है, मुश्किलां पैदा करनी। नेक्स्ट, किता भोगना मुहावरे अर्थ दा मुहावरा दसो, किता भोगना, आपां की कहने, हर एक नूं अपनी डैश दा फल भोगना पैंदा है, करनी भरनी, की मुहावरा है, करनी भरनी, करनी भरनी इकट्ठा है, करनी भरनी दा फल भोगना पैंदा है, मुहावरा की बनिया, मुहावरा की है, करनी भरनी, मीनिंग की है, किता भोगना। नेक्स्ट, चुकन्ने होना दा मुहावरा दसो, कन्न करने, कन्न खड़े करने, कन्न भरने, कन्न होने, कन्न भरने हुंदा चुगली करने, कन्न होने की हुंदा नसीहत होनी, ओदा भी मीनिंग नाल नाल कर लो, जेड़े मुहावरे होर बोलदे, लिसन, थोड़ा जा नुकसान होने तो बाद ही उन्हें कन्न हो गए कि नौकर ते विश्वास नहीं रखा जा सकता, कन्न होने नसीहत होने, कन्न भरने चुगली करने, कन्न खड़े करने, चुकन्ने होना जा सावधान होना, इन सावधान वर्ड भी आ सकता है। नेक्स्ट, झूठ बोलना मुहावरे का अर्थ का मुहावरा दसो, झूठ बोलना, झूठ बोलना अर्थ का मुहावरा, कुफर तोलना की है, कुफर तोलना, चलो बच्चे, बाकी आप नेक्स्ट क्लास करांगे मुहावरे।